केजीएफ और सालार जैसे सुपर हिट फिल्में बनाने के बाद प्रशांत नील एक और ऐसे ही बिग बजट फिल्म बनाने वाले हैं। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर दिखेंगे। जूनियर एनटीआर फिलहाल वार टू और देवरा पार्ट वन की शूटिंग में बिजी है और प्रशांत नील प्रभास के साथ सालार टू की शूटिंग में बिजी होंगे। उसके बाद जूनियर एनटीआर और प्रशांत नील इस फिल्म पर काम करेंगे। ये जूनियर एनटीआर की 31वीं फिल्म है और इस फिल्म का नाम ड्रैगन होने वाला है। ये एक बिग बजट फिल्म होगी। जूनियर एनटीआर की देवरा फिल्म की शूटिंग खत्म होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस फिल्म का बजट 200 से 250 करोड़ है, लेकिन इस फिल्म ने रिलीज से पहले थिएटरिकल राइट से 250 करोड़ कमाई की है, ऐसी खबरें है। इस फिल्म में जूनियर एनटीआर के साथ जाह्नवी कपूर और सैफ अली खान लीड रोल में है। सुपरहिट कॉमेडी फिल्म हाउसफुल सीरीज जिसमें अक्षय और रितेश देशमुख लीड रोल में है, उसका 5वां पार्ट आने वाला है और इस फिल्म में अक्षय और रितेश के साथ नाना पाटेकर और अनिल कपूर भी होंगे, ये खबरें थी। लेकिन अब इस फिल्म से जुड़ी खबर आई है कि अनिल कपूर अब इस फिल्म में नहीं होंगे। इसका कारण उनकी फीस बताया जा रहा है। इसी वजह से फिल्म के स्क्रिप्ट दोबारा लिखी जा रही है। हाउसफुल सीरीज लोगों की पसंदीदा है और हाउसफुल 5 का लोग वेट कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार इस फिल्म का बजट 375 करोड़ होने वाला है और इस फिल्म की शूटिंग ब्रिटेन में शुरू होने वाली है। इस फिल्म को तरुण मनसुकानी डायरेक्ट करने वाले हैं, जिन्होंने इससे पहले दोस्ताना और सुशांत सिंह राजपूत की ड्राइव फिल्म डायरेक्ट की थी। तीसरी खबर है एक्टर निखिल की अपकमिंग फिल्म के बारे में। कार्तिकेय 2 के बाद एक्टर निखिल की एक और फिल्म आने वाली है जिसका नाम है स्वयंभू। ये फिल्म एक पीरियड एक्शन एडवेंचर फिल्म होगी। फिल्म की शूटिंग हैदराबाद में चल रही है और इस फिल्म के एक्शन सीन्स के लिए मेकर्स करोड़ों में पैसे लगा रहे हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार फिल्म के एक एक्शन सीन के लिए तकरीबन 8 करोड़ खर्च किए गए हैं। इस सीन में 700 एक्टर्स होंगे जिसमें वियतनामी फाइटर्स भी शामिल है। इसके लिए 2 बड़े सेट्स भी बनाने पड़े, लेकिन अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट सामने नहीं आई है। तो चलिए आज रुकते यहीं पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही फिल्म अपडेट के साथ।